कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की है। कोरोना महामारी और चीन से तनातनी का सामना कर रहे मोदी सरकार पर राहुल गांधी शुरू से ही हमलावर हैं। राहुल ऐसे मामलों पर सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं ताकि इसका फायदा वो भविष्य में होने वाले चुनाव में ले सके। हालांकि इस दौरान राहुल एक बार फिर अपने बयानों में ही फंस गए हैं। चीन मसले पर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी एक गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हैं जहां समिति मायने नहीं रखती। कांग्रेस में कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि वो लगातार राष्ट्र का मनोबल गिरा रहे हैं, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जारी खींचतान खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में तीन मसलों का जिक्र किया, कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करना। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने इसी के साथ पीएम मोदी का वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीद कर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। राहुल ने न्यूज को ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम केयर्स की अपारदर्शिता के कारण देश की जनता के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है और लोगों के पैसे का इस्तेमाल घटिया क्वालिटी के उत्पाद खरीदने में किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के हालिया बयानों से कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी को सलाह दी थी कि राहुल को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी कुछ समझने को तैयार नहीं है। वहीं हाल में कोरोना मामले को लेकर भी राहुल गांधी के बयानबाजी पर सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी बयानबाजी से अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।